बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने क्लोजिंग ऑब्जेक्टिव्स जी, टेक ए गुड यस और गुड यस और फॉर आइदर बिजनेस और प्रोडक्ट्स, यानी कि आपके बिजनेस को लेकर के उसकी बिजनेस को लेकर के और प्रोडक्ट्स को लेकर के उसकी एक अच्छी यस किस तरह से आप प्राप्त करें। सो इसके ऊपर आज की ट्रेनिंग होने वाली है। सो आप प्लीज आप डायरी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को, जैसे कि CNT हो रही है कहीं पे, तो वहां पे बुला लिया वही काफी है। उसके बाद भी आपकी कई सारी जिम्मेदारियां और सारी जिम्मेदारियां भी आपकी उस समय ही उस व्यक्ति को लेकर के स्टार्ट होती है, क्योंकि उसकी सभी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती है। सो किस तरह आप एक गुड यस तक पहुंचे आपके प्रोडक्ट को लेकर के और आपके बिजनेस प्लान को लेकर के, सो इसके बारे में हम जानेंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को जी, व्हेन डू वी क्लोज, जैसे कि आप देखेंगे, जब आप किसी भी व्यक्ति को मीटिंग में बुलाते हैं उससे पहले, ठीक है, और मीटिंग के दौरान जब मीटिंग चल रही है उस समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, और उसके बाद मीटिंग के बाद यानी जो CNT हो रही है उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना है, या आप अपने अपलाइन के साथ किन के पास गए हैं, मतलब किसी व्यक्ति के पास गए हैं जो आपके जानकार है, आपको अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन उनके सामने शेयर करनी है, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना है कि उस समय किस बात का हम ध्यान रखें ताकि हमारा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन हमारी सामने वाला प्रोस्पेक्ट अच्छे से सुने। सो जैसे आप देख रहे हैं बिफोर मीटिंग, सो पहले हम बताते हैं बिफोर मीटिंग के बारे में। अगर आप एक अकेले व्यक्ति से मिलने गए हैं या दो लोगों से उनके घर पे मिलने गए हैं, ठीक है, तो पहले आप समय लेते हैं, तो समय लेते समय एक तो आपको फोन पे सारी डिटेल नहीं देनी है, दे देनी है। कई बार लोग क्या करते हैं, फोन पे सारी डिटेल दे देते हैं, फिर अगर फोन पे आपने डिटेल दे ही दी तो फिर आप अपलाइन को क्यों साथ में लेके जा रहे हो। सो हमें फोन पे सारी डिटेल नहीं देनी है, केवल हमें मिलने का समय लेना है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और अगर वो मतलब इस चीज को लेकर के सीरियस ना हो कि मैं मिलना चाहता हूँ, मतलब आप अगर डेली भी मिलते हो तो आप इस तरह कह सकते हैं कि हमारे एक जानकार है, बहुत है, हमारे जानकार है भाई साहब, सो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, या वो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने मेरे से कहा है कि कुछ समझदार लोगों से मुझे मिलना है, सो वो व्यक्ति आपको मिलने का समय देगा, ठीक है। सो आप उसके बाद आप थोड़ा जो आपके साथी है उसकी वैल्यू भी आप उन्हें बताएं कि उनका समय जो है बहुत ही कीमती है, और आप समझते भी है कि कीमती उनका समय है भी, आप ये कोई झूठ नहीं बोल रहे इस बात में, उनका समय कीमती है, उनसे बहुत मुश्किल से मैंने समय लिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, और सो कब हम मिल सकते हैं, सो सामने वाला व्यक्ति समय जो भी देता है सो हम पहुंचते हैं, ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम पहुंचते हैं, कभी हमें लेट नहीं होना है। उसके बाद जब शुरुआत की जाएगी तो पहले उनसे बातचीत की जाएगी, तो आपको भी वहीं पे बैठना है, यानी पहले उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, तो आपको भी वहीं पे बैठना है। ये नहीं कि जो अपलाइन जो है वो तो प्लान दिखा रहा है उन्हें, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आपने फोन ले लिया हाथ में और बाहर निकल गए आप, या फोन लगाया कान पे और बाहर निकल गए, आपको भी वहीं साइड बैठना है, वहीं बैठना है बिल्कुल, ठीक है, तभी उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप फोन लेकर के निकल गए तो वो व्यक्ति इतने ध्यान से नहीं सुनेगा उस प्रेजेंटेशन को, चाहे वो कोई सी भी प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, तो वहीं पे आपको बैठना है, और जो भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी आपसे पूछा जाए तो उसका भी जवाब देते रहना है, ठीक है। और उसके बाद मीटिंग के बाद क्या करना है, ये वन बाय वन मीटिंग के बारे में बता रहा हूँ। मीटिंग के बाद आपको उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन करना है। ये नहीं कि अपलाइन ने प्लान दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, उसके बाद आप उनके पास कॉल नहीं कर पा रहे हो, उनसे फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो, उनके रजिस्ट्रेशन आपकी जिम्मेदारी है, यानी
अपलाइन ने अपना काम कर दिया, फिर उनका आधार कार्ड से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उनकी परचेजिंग करानी है। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है, परचेजिंग नहीं हुई है, तो उनसे जल्दी से जल्दी फॉलोअप करना है 24 से 48 घंटे के अंदर, ताकि वो व्यक्ति उसे इस बीच में उसे कई सारे वकील मिल जाते हैं, कई सारे बताते हैं गुलशन आर्य जी बोलते हैं कि कई सारे वकील मिल जाते हैं और फ्री में मिल जाते हैं, उस चीज की कोई फीस नहीं होती, लोग फ्री में दे देते हैं सलाह, क्योंकि वो कई लोगों से बात करने लगता है उस विषय पे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 24 से 48 घंटे में आपको उससे मिलना है। अब इसके बाद हम चलते हैं CNT की तरफ। जैसे कोई बड़ी CNT हो रही है, हम अपने गेस्ट को वहां पे बुला, बैक स्लाइड पे ही रहने दीजिए, अभी हम वहां पे अपने गेस्ट को बुलाते हैं, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। हमने इनवाइट तो उन्हें कर लिया, ठीक है, वो आ रहे हैं। कई बार क्या करते हैं हम, अंदर हॉल में मीटिंग चल रही है और हम बाहर खड़े हैं। सॉरी एक मिनट, कई बार क्या होता है कि गेस्ट जो है, जो कुछ गेस्ट हमारे अंदर बैठे हुए हैं, अंदर हमारी मीटिंग चल रही है और हम एक गेस्ट के का वेट कर रहे हैं बाहर खड़े होकर के। केवल एक मिनट का समय, जी, तो आपको क्या करना है, जब मीटिंग चल रही है, CNT चल रही है हॉल के अंदर, तो आपको बाहर खड़े नहीं होना है, आपको अंदर ही हॉल के अंदर बैठना है। कई बार क्या होता है, हम बाहर खड़े हुए होते हैं, उसका सामने रोड पे खड़े होकर के उस प्रोस्पेक्ट का वेट कर रहे हैं, वो लेट हो गया है, बट फिर भी उसका हम वेट कर रहे हैं बाहर खड़े होकर के। अगर कोई कहता भी है तो हम कहते हैं सर नया गेस्ट है हमारा, उस चीज का ये इफेक्ट पड़ता है कि वो गेस्ट आपको देखता है रोड पे आप खड़े हुए हो, तो वो उसके माइंड में ये ख्याल आता है मेरा ही वेट कर रहा था, यानी जब वो हॉल के अंदर जाता है तो वो ये सोचता है कि इतने समय से ये रोड पे खड़े होकर के मेरा ही वेट कर रहा था, मैं इसके लिए कितना ज्यादा इंपोर्टेंट हूँ। तो उस समय आपको इंपोर्टेंस देनी है, अपनी जो CNT चल रही है अंदर उसको इंपोर्टेंस देनी है, उस व्यक्ति को आप वहीं बाहर खड़े होकर के हॉल से थोड़ा सा बाहर खड़े होकर के कर सकते हैं। केवल मैं ही अकेला हूं क्या जिसका ये वेट कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा इंपोर्टेंट मैं इसके लिए हूं। तो आपको अपनी मीटिंग को इंपोर्टेंस देनी है, आपको हॉल के अंदर बैठना है, ठीक है। और ड्यूरिंग मीटिंग क्या करना है, ड्यूरिंग मीटिंग कई बार लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट को हमने बैठा दिया और हम थोड़ी देर में मीटिंग, थोड़ी देर हम CNT देख रहे हैं, हम सोचते हैं ये तो वही CNT चल रही है डेली, और डियर लीडर्स या डियर डिस्ट्रीब्यूटर्स इसी CNT के माध्यम से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, यानी 1,18,00,000 रुपए तक पहुंच चुके हैं, सो हमें भी ज्यादा से ज्यादा बार इसको सुनना है। सो हमने प्रोस्पेक्ट को बता दिया और हम सोचते डेली यही CNT होती है, हम निकल जाते हैं फोन लेकर के, कान पे लगा करके या फोन हाथ में लेकर के हम निकल जाते हैं। तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ आया है तो उसके साथ आपको बैठना है, और जब सामने से कोई सवाल जवाब, कुछ भी सवाल जवाब आपसे किए जाए तो उनका भी आपको आंसर करना है, और आपको मुंडी हिलानी है। अगर आप यस कह रहे हो तो आपको मुंडी हिलानी है या यस भी बोलना है। ताली जब बजाने का मौका मिलता है तो आपको ताली बजानी है। तो आपका प्रोस्पेक्ट भी कुछ टाइम टाइम के बाद फिर इसी तरह से करने लगता है और उसका फोकस सारा वहीं पे पहुंच जाता है। आपका, आपको भी अपना फोकस वहीं पे रखना है और उसका फोकस भी वहीं पे हो जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आफ्टर मीटिंग के जब CNT खत्म हो जाती है तो किस बात का आपको ध्यान रखना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी टीम को, आपके जो अपलाइन है उनसे भी मिलाना है, यानी पर्सनली जैसे आपकी जो टीम है अपलाइन से टाइम लेना है, सर एक मिनट के लिए मेरी टीम से मिल लोगे आप, सो उनसे मिलाना है, ठीक है, अपलाइन से।
इससे भी जो क्लोजिंग है ना वो बहुत अच्छी होती है। सो आपको अपने अपलायंस से मिलाना है अपनी टीम को जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, कई बार क्या होता है सीएनटी खत्म हो गई और सीएनटी खत्म होते ही हम भी वहां से फुर हो जाते हैं, हमें अपनी टीम को अपने अपलायंस से मिलाना है जी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एवरेज जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जब भी आप कहीं पे मीटिंग देने के लिए जाते हैं या पर्सनल मतलब एक व्यक्ति को देने जा रहे हैं, होम मीटिंग करने जा रहे हैं या आप बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं, सीएनटी में जा रहे हैं जो बड़ी सीएनटी होती है, तो आपको ड्रेस में जाना है, प्रोफेशनली आपको रहना है जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं। सो उस चीज का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, सामने वाला व्यक्ति भी जब आपके अंदर कुछ चेंज देखता है तो वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है। और जब अगर आप जिस तरह से पहले रहते थे उसी तरह से आप रहते हैं तो वो सोचता है कि इसके अंदर ही कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी इसके अंदर ही कोई बदलाव नहीं आया, तो ये मुझे क्या मतलब मेरे सपनों को क्या पूरा कराएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि कई लोग क्या करते हैं, कटी फटी पैंट से ही पहुंच जाते हैं या जो फैशनेबल कपड़े होते हैं उनसे ही प्लान दिखाने पहुंच जाते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जब हम ड्रेस में होंगे, हमने टाई लगाई हुई होगी, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को मानेगा, हमारी बात को सुनेगा ध्यान से बैठ करके। और अगर हम फंकी लुक में होंगे तो वो हमारी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि हर किसी की एक ड्रेस होती है। फौजी अगर ड्रेस फौजी के पास नहीं है तो उसे कोई फौजी नहीं मानता है, यानी देख करके फौजी उसे कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसी तरह से पुलिस वाला अगर है, पुलिस वाले के पास अगर ड्रेस उसके पास ड्रेस नहीं है तो कोई उसे पुलिस वाला नहीं मानेगा। ड्रेस का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और वैसे भी हमारी जो ड्रेस है बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है, बहुत पसंद करते हैं लोग इसे जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो हमें ड्रेस का ध्यान रखना है। बी ए कंसल्टेंट नॉट सेल्समैन, यानी आपको एक कंसल्टेंट बनना है नॉट ए सेल्समैन, यानी आपको सेल्समैन नहीं बनना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं, कई बार लोग जैसे हम माइंड के अंदर सोच के जाते हैं कि हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो हमें कंसल्टेंट बनना है, हमें सेल्समैन नहीं बनना है। सामने वाले व्यक्ति की हमें पहले जो समस्या उसकी है, उसकी समस्या को हमें ध्यान से सुनना है, बैठ करके अच्छे से उसकी समस्या को ध्यान से पहले सुनना है, ठीक है, पूछना है जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड पे। उसके बाद उसका एक तरह से उसका डायग्नोस करना है, उसको निचोड़ना है, समस्या जो है माइंड के अंदर उसको घुमाना है कि इनकी समस्या ये है, और फिर क्या करना है, फिर उनकी समस्या को आप समस्या का समाधान उनको देना है। और एक कंसल्टेंट है आप, ना कि एक सेल्समैन, और एक कंसल्टेंट ही आपको बनना है, बी ए कंसल्टेंट नॉट ए सेल्समैन जी। सामने वाली व्यक्ति की समस्या को सुनेंगे पहले हम, फिर उसको उसका आंसर करेंगे, यानी उसका समाधान हम देंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट करेगा जी। तो बी ए कंसल्टेंट वर्क करना है हमें। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। व्यवहार में ही व्यापार है, तो बिल्कुल जैसा आपका व्यवहार होता है वैसा ही आपका व्यापार होता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका व्यापार भी अच्छा होता है। जैसे कि बोलते हैं कि जो मीठा बोलता है ना उसकी तो मिर्ची भी बिक जाती है, और जो कड़वा बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता है। तो हमें अपने व्यवहार के अंदर और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर के आना है तो हमारा व्यापार भी अच्छा होगा, क्योंकि हम जितने ज्यादा ध्यान से सामने वाले व्यक्ति को प्यार से सवाल पूछेंगे, उसको आंसर करेंगे, जितने प्यार से उसको सुनेंगे, उतना ही अच्छा हमारा व्यापार भी होगा जी। बी ए गुड लिसनर पॉज बिफोर रिप्लाई, यानी कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना है, हमें एक अच्छा पहले सामने वाले को सुनना है हमें। ये नहीं कि सामने वाला हमें अपना जो भी हमें बता रहा है उसके बाद तुरंत हम उसे आंसर कर दे, ये हमें नहीं करना है।
जैसे सामने वाले ने कुछ भी क्वेश्चन किया, पहले हमें ध्यान से सुनना है उसे, गुड लिसनर, ध्यान से हमने सुना, हमने 2-3 सेकंड का पॉज दिया, मतलब 1-2 सेकंड हम रुके, रुक करके फिर हमें उसको रिप्लाई करना है, उसका जो भी आंसर है वो हमें देना है। ये नहीं कि सामने से आया सवाल तुरंत हमने अटैक कर दिया जवाब, ये हमें नहीं करना है। अगर इस तरह आप करते हैं कि ध्यान से पहले सुनते हैं, फिर रुकते हैं, फिर आप आंसर करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी ये होता है कि मेरी बात को सुन रहा है, सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को पहले ध्यान से सुन रहा है फिर आंसर करना है, कर रहा है, तो वो आपको इम्पोर्टेंस देता है और आपको एक समझदार व्यक्ति समझता है, और हर समझदार व्यक्ति इसी तरह से करते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। फाइंड राइट प्रोस्पेक्ट, यानी हमें एक राइट प्रोस्पेक्ट की खोज करनी है। जी, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें एक राइट प्रोस्पेक्ट की खोज करनी है, जिस व्यक्ति को इन सब चीजों की जरूरत हो। कई बार हम ये करते हैं कई बार कि जो व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट भी परचेज नहीं कर सकते, यानी जो व्यक्ति हमारा पेस्ट भी परचेज नहीं कर सकता, साबुन भी परचेज नहीं कर सकता, या जिसे, जैसे आप देख रहे हैं, मनी जिसके पास नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो उसे भी वहां पे हम अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, वहां पे अपना दिमाग खर्च कर रहे होते हैं। तो हमें एक राइट प्रोस्पेक्ट खोजना है जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सके। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जो प्रोडक्ट को यूज कर सके, जिसके पास पैसा हो, अथॉरिटी जिसके पास हो और नीड जिसके पास हो, उसकी हमें खोज करनी है। कई बार क्या होता है, हमने बच्चों को प्लान दिखा दिया, ठीक है, 18 साल 19 साल का बच्चा है, 20 साल का है, ठीक है, बट उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो क्या कहेंगे, मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, ठीक है, या वाइफ को प्लान दिखा दिया, वो कहते हैं हस्बैंड को पूछ करके बताऊंगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट अफोर्ड कर सके, अथॉरिटी उसके पास हो और नीड उसको हो। बच्चे अगर कहते हैं कि मैं पापा जी से पूछ के बताऊंगा, घर वालों से पूछ के बताऊंगा, तो हम कोशिश करें कि उनकी फैमिली के साथ ही उनसे हम मिले, ताकि हमें दोबारा से अपनी एनर्जी ना लगानी पड़े, और हमें एक राइट प्रोस्पेक्ट ढूंढना है जिसे नीड हो इस चीज की। आस्क बिफोर शोइंग द प्लान, प्लान देने से पहले आप पूछ सकते हैं सामने वाले व्यक्ति से कि क्या आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी अथॉरिटी आपके पास है, मतलब अथॉरिटी आप ले सकते हैं उसकी, मतलब किसी से आपको पूछना तो नहीं पड़ेगा। तो अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है हाँ मैं घर वालों से पूछ करके बताऊंगा, इस तरह से अगर आप कुछ बताते हो मुझे तो मैं घर वालों से पूछूंगा, तो आप फिर फैमिली के साथ ही उससे मिले। जी, और कई बार लोग कहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो अपने डिसीजन है स्वयं लेता हूँ, तो उनसे आप अकेले मिल सकते हैं। जी, कई बार लोग ये भी कह देते हैं नहीं मेरे जो डिसीजन होते हैं वो फैमिली के डिसीजन होते हैं, तो उनसे आप मिल सकते हैं। जी, टेक्निक फॉर क्लोजिंग, फाइंड द पर्पस, यानी पर्पस हमें फाइंड करना है। नाउ आस्क क्वेश्चन, जी बैक स्लाइड, फाइंड द पर्पस, नाउ आस्क क्वेश्चन एंड गिव देम सॉल्यूशन, फोकस इट व्हाट दे वांट, यानी कि हमने सामने वाले व्यक्ति को पहले हमें पर्पस देखना है उसका, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसे क्वेश्चन पूछने हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन देने हैं, क्वेश्चन उसने किया फिर हमने सॉल्यूशन दिया, और हमें फोकस करना है उस चीज के ऊपर जिस जो वो चाहता है। जी, ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति तो समाज सेवा में विश्वास रखता है, समाज सेवा करना चाहता है बहुत ज्यादा, और हम पैसे के ऊपर अड़े हुए उससे कि आप यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, सामने वाले व्यक्ति को जो चाहिए वही हमें उसे परोसना है, बिल्कुल आप उससे कोई झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पे वो समाज सेवा भी कर सकता है, पैसा भी कमा सकता है, गाड़ी भी वो ले सकता है, अगर सामने वाले व्यक्ति, मतलब जो भी उसकी पसंद है, जो भी वो चाहता है, आप कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। जी, बट उस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो सुनना चाहता है हमें वही उसको सुनाना है, तो सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करता है। जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम जी। मैं इस चीज के ऊपर कई बार बोलता हूँ, करोगे क्या ज्वाइन, कई बार हम लोगों से पूछते हैं करोगे क्या ज्वाइन, यानी प्लान दिखा दिया उसके बाद कहते हैं करोगे क्या ज्वाइन, इस तरह से हमें नहीं पूछना है। हमें पूछना है कि आपको यहाँ पे जो आपने अभी ये प्रेजेंटेशन देखी, प्रोडक्ट अच्छे लगे या आपको मार्केटिंग प्लान, दो ऑप्शन हमें दोनों ही ऐसे देने हैं जो हमारे फेवर में हो, यानी नहीं का हमें ऑप्शन ही नहीं देना है, वरना इतनी ज्यादा एनर्जी हमने वेस्ट कर दी, अपलाइन ने इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी उसके सामने, ठीक है, रखा सारा प्लान और उसके बाद हम कहते हैं उनसे करोगे क्या ज्वाइन, यानी हमने नहीं का ऑप्शन खोल दिया उसके लिए। ये हमें नहीं करना है, हमें पूछना है आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या मार्केटिंग प्लान, ठीक है, कर लो प्लीज ज्वाइन, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कई बार हम लोगों से बोल देते हैं कि प्लीज ज्वाइन कर लो, सो आप कान खोल करके सुन लो, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर दया करके ज्वाइन नहीं करेगा, और ना ही कोई व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के साथ ज्वाइन करना चाहता है, ना ही कमजोर व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, ना ही अपना रिश्ता रखना चाहता है, यानी अपना रिलेशन भी कमजोर व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं रखना चाहता है। सो हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी है सामने वाले व्यक्ति से, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट हमें नहीं करनी है। हम एक बिजनेसमैन है, हमें अपनी प्रेजेंटेशन को रखना है उसके सामने, और जिस तरह से उस क्वेश्चन करता है उनके आंसर हमें करने हैं, बट हमें ये नहीं कि प्लीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि कमजोर व्यक्ति के साथ कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या अपॉर्चुनिटी या मार्केटिंग प्लान जी। हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट, यानी आप किस तरह से स्टार्ट करना चाहेंगे, फुल टाइम और सीरियस पार्ट टाइम, यानी आप फुल टाइम स्टार्ट करना चाहोगे या पार्ट टाइम स्टार्ट करना चाहोगे, ये बातें हमें पूछनी है सामने, यानी दोनों ही हमारे फेवर में है। फुल टाइम अगर वो कहेगा ये भी, और पार्ट टाइम अगर वो कहेगा कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ करना चाहता हूँ, तो वो भी आपके फेवर में है और वो होना भी चाहिए, ठीक है। When would you like to get paid right now? यानी आप कब पे करना चाहोगे जो प्रोडक्ट के लिए, जैसे जो आपने ऑर्डर दिया उसको, ऑर्डर उसका बनाया, तो अभी आप पे करना चाहोगे, तो वो व्यक्ति कहेगा, अगर उसके पास अभी है तो वो कहेगा हाँ मैं अभी पे कर देता हूँ, ये मेरे प्रोडक्ट आप ला दीजिए मुझे, या वो कहेगा कि कल आप इन्हें ये मेरे प्रोडक्ट ला दीजिए, वो खुद ही कहेगा, उससे ही पूछिए, क्योंकि अगर वो स्वयं कहेगा तो वो उस बात के ऊपर मतलब फोकस करेगा, उस बात को सीरियस लेगा। अगर वो स्वयं ही कह रहा है कि कल मैं पेड़ पे कर दूंगा जो प्रोडक्ट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए हमें उनसे बोलना, सामने वाले व्यक्ति से प्रोडक्ट के लिए हमें बोलना है, पैसे हमें लेने हैं, इस चीज में हमें शर्म नहीं करनी है। जो भी बड़ा बना है वो वही बना है जो अपने पैसे मांगता है, और आप उनसे पैसे उनके बेनिफिट के लिए ही मांग रहे हो, प्रोडक्ट उन्हें आप पैसे लोगे आप और उन्हें प्रोडक्ट पहुंचा दोगे जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो ये हमें पूछना है, वो व्यक्ति कहेगा अभी पे करूंगा तो अभी करेगा, और बाद में कहेगा तो बाद में उस चीज को सीरियस लेगा, और वो आपको उसी समय जब उसके लिए जब उसने बोला है जब ही आपको पेमेंट कर देगा। अल्टरनेट क्लोज, रीअश्योरेंस क्लोज, टेस्टिमोनियल क्लोज, समरी क्लोज, आफ्टर सेल क्लोज, पॉसिबिलिटी क्लोज, यानी कि इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि जब हमने सामने वाले व्यक्ति को प्लान दिखाया तो हमें कुछ टेस्टिमोनियल्स भी उसके सामने रखने हैं, और सेल को हमें क्लोज करना है, यानी उसका जो ऑर्डर है वो भी हमें बनाने में उसकी मदद करनी है शुरू में, क्योंकि किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है स्टार्टिंग में, ना ही उन्हें ये पता कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, उन्हें नहीं पता कि आपके पास इतना बेस्ट टूथपेस्ट है गैनोडर्मा पेस्ट आपके पास है, उन्हें नहीं पता कि आपके पास साबुन है नीम तुलसी पुदीने से बना हुआ, आपको इस चीज में उनकी हेल्प करनी है, वो सेल भी आपको क्लोज करनी है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जी। जैसे टेस्टिमोनियल में आप देख रहे हैं कि टेस्टिमोनियल हमें कम से भी कम हमें 50 टेस्टिमोनियल याद होने चाहिए जी। जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं सिद्धार्थ सिंह जी है,
कंपनी के टॉप अर्नर है सिद्धार्थ सिंह जी के बारे में आपको बताना है। उसके बाद कोई अगर कोई व्यक्ति अगर थोड़ा एज्ड है तो उसको रमेश पुनानी जी के बारे में थोड़ा ज्यादा बताना है कि रमेश पुनानी जी सीए थे और अभी एज उनकी लगभग 75 साल से प्लस है और आज इतनी इनकम ले रहे, 30 लाख से प्लस की इनकम यहाँ पे ले रहे हैं, मर्सिडीज जैसी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का भला भी कर रहे हैं, यानी इनकी वजह से बहुत सारे लोग और भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर आर एस राजन जी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो बीएचईएल के अंदर जॉब थी और डॉक्टर आर एस राजन जी की, और आज यहाँ से इनकम की बात करें तो लगभग इनकी इनकम भी यहाँ पे 20 लाख प्लस यहाँ से अर्न कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब थी, तो गवर्नमेंट जॉब अगर किसी की है जिसको आप सामने वाले को बता रहे हो तो उन्हें आपको डॉक्टर आर एस राजन के बारे में ज्यादा बताना है। दीपाली पत्रावाला जी है और अगर हाउसवाइफ कोई है सामने तो हाउसवाइफ के बारे में बताना है, ज्यादा फोकस करना है बताना सभी के बारे में, जब उसके बारे में ज्यादा बताना है आपको। अगर कोई अंगूठा टेक इंसान है तो मोइन खान जी के बारे में बताना है, अगर कोई किसान फैमिली से बिलोंग करता है तो हमें सुभाष ढांडा जी के बारे में बताना है कि सुभाष ढांडा जी लगभग 5 लाख से प्लस की अर्निंग लेते हैं वेस्टीज से, ऑडी Q3 ड्राइव कर रहे हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, बोलने में भी अकलाते हैं जी। स्टूडेंट है तो शिवम गोस्वामी जी के बारे में बताना है आपको कि एक लड़का लगभग 26 साल की एज में 12 लाख की लगभग 12 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं और ऑडी Q3 गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अगर कोई हमारा दिव्यांग भाई बहन है जिसे हम सामने प्लान दिखा रहे हैं तो उसे भी हमें बताना है कि हमारे यहाँ पे दिव्यांग भी 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए पर मंथ तक अर्न कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शरीर से विकलांग नहीं होता, विकलांग होता है सोच से जी। सो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि राइट टेस्टिमोनियल उनके सामने रखना है, ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति तो है स्टूडेंट और हम उन्हें रमेश पुनानी जी के बारे में बहुत ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, या सामने वाला व्यक्ति तो है 75 साल 80 साल की एज उसकी है, 75 साल की एज उसकी है और हम उन्हें शिवम गोस्वामी जी के बारे में बता रहे हैं, या सामने वाला व्यक्ति तो है डॉक्टर और हम उन्हें बता रहे हैं मोइन खान जी के बारे में बता रहे हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, राइट टेस्टिमोनियल हमें उनके सामने रखना है, दिखाना है उन्हें जी। सो आज की मेरी ट्रेनिंग यहीं तक थी, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, मीटिंग के दौरान, मीटिंग से पहले एंड मीटिंग के बाद आप कैसे रहते हैं उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ड्रेस में आपको आना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पुनीत आर्य जी एंड गुलशन आर्य जी, थैंक यू, ओवर टू यू। ओवर टू यू सर। अरे सर मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है सर? जी अभिषेक जी आपकी वॉइस आ रही है। जी सर थैंक यू सो मच, वंडरफुल ट्रेनिंग रही आज की और बहुत सारे लोग थैंक्स कर रहे हैं आपको। थैंक यू सर, बहुत सारे लोगों के थैंक्स है कि आपने जो क्लोजिंग की टेक्निक बताई कि किस प्रकार से हम जो है क्लोजिंग करें, मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद, मीटिंग के दौरान जी, और हमें क्या कहना है, क्या हमें लोगों से बात करनी है, क्योंकि हम जाकर के केवल केवल अपनी ही बात सुनानी शुरू कर देते हैं और दूसरे की बात हम सुनते नहीं हैं, तो उसमें सही तरीके से हम क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं। उस बंदे की नीड्स का हमें पता करना है कि इसकी जरूरत क्या है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कही, और टेस्टिमोनियल वास्तव में उन्हीं को देना है, जैसा हम देखते हैं भाई डॉक्टर है तो हमें डॉक्टर एच के रहेजा जी का जो है हमें वहां पर उसका टेस्टिमोनियल देना है, कोई किसान परिवार से है तो सुभाष ढांडा जी का देना है, कोई इंजीनियर है तो सतपाल धाना जी का देना है। तो इस तरीके से हम टेस्टिमोनियल देंगे तो उस आदमी के दिमाग में ये आएगी कि भाई हाँ बिल्कुल कि ये जो है कि वे मेरे लिए ये काम है, ऐसा तो नहीं बंदा इंजीनियर है उसको बता रहे हैं एमडी मोइन के बारे में, बिल्कुल ठीक है, वो सोचेगा यार ये तो अनपढ़ लोगों का काम है ना, उसके माइंड में वो चीज आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बताए, बेहतरीन वंडरफुल सेशन रहा सिंह जी, और कुछ लोगों ने हैंड रेज भी